हेलो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम अपने मैथ के सिलेबस में, हम एक स्कूल में भी पढ़ाते हैं, एज ए टीचर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को जो डायरेक्ट प्राइमरी से, फिफ्थ से डायरेक्ट सिक्स में आ रहा है या एट्थ से डायरेक्ट नाइन्थ में आ रहा है, तो उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और ना ही वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, खासकर मैथ। और इसमें आपको ये समझना है कि कैसे हम सवालों को लगाएंगे। पहले हम रूल को जानेंगे, रूल को जानने के बाद स्टेप बाय स्टेप सवालों को समझेंगे और सीखेंगे। ये वीडियो उन गरीब बच्चों के लिए है, उन बेसिक्स बच्चों के लिए है जो शुरुआती से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर यहाँ से वो देख के रोज़ वीडियो को देखते हैं, अगर पढ़ते हैं, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज से मैंने ये प्रण लिया है कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा और ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको एक एक चीज़ें उसमें क्लियर हो सके और मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कराऊंगा। तो आइए हम देखते हैं, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये बोडो मास का रूल कैसे फॉलो होता है। इसको फॉलो करने का तरीका ये है कि इसका पूरा नाम होता है वी बोडो मास। वी का मतलब होता है वलिकुलम बार। किसी भी संख्या पे यदि ये बार लगा होता है तो हम समझते हैं कि वलिकुलम बार है। जैसे मान के चलिए ऐसे आपकी कोई संख्या दे दे और इस पे बार लगा दे, तो सबसे पहले इस टाइप पे इसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। दूसरी बात हमारा आता है वी से ब्रैकेट, इसको हम लोग हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक हमारे तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक जिसका चिन्ह वी होता है, मध्यम कोष्टक इसको मझला कोष्टक भी कहते हैं, बड़ा कोष्टक का मतलब होता है बड़ा कोष्टक, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आगे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। डी का मतलब होता है डिवीजन का मतलब भाग, भाग का साइन ये होता है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा, गुणा का साइन ये होता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़, जोड़ का साइन ये होता है। और सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, घटाव का साइन ये होता है। अब ये हमारा रूल है, अब इस रूल को फॉलो कैसे करना ये आपको सीखना है। सवाल तो सभी लोग जानते हैं, अगर हम अभी लिखते हैं ऐसे 2 × 3 + 4, अगर इसके बार लगा दें तो लगाना तो इसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस रूल के द्वारा कैसे आप फॉलो करेंगे, सारे सवालों को कैसे लगाएंगे वो हम सिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी हमने कहा कि सबसे पहले किस चीज़ का यूज होगा, वलिकुलम बार। अगर आपको कहीं भी बार दिखता है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरा क्या आता है कोष्टक आता है, उसके बाद हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले 2 × ये 3 है, इस पर बार लगाया तो 3 और 4 ऐड होगा क्योंकि प्लस है, तो 3 और 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक को भी सॉल्व करिए, 2 का 7 में गुणा करिए, 2 × 7 = 14, तो ये आपका 14 हो गया आंसर। इस तरीके का बहुत सारा सवाल हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आइए इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बार बार देखने को हमको मिलता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 4 − 3 − 2 पे बार, ये वाला सवाल आप देखिए, बहुत सारे लोग इसका क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, 4 में से 3 हटाएंगे 1 आएगा, 1 में से 2 हटाएंगे फिर -1 आएगा। तो इसी रूल को हमको सीखना है। देखिए सबसे पहले हमको दिख क्या रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, पहले वलिकुलम बार को फॉलो करना है। वलिकुलम बार यहाँ पे है तो सबसे पहले इसको घटाएंगे हम, 4 − 3 में से 2 का करेंगे माइनस करेंगे तो होगा 1, और 4 में से 1 जब क्या बचेगा 3, तो ये हमारा लास्ट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का, बार बार हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक टाइप और हो गया 4 / 4 × 2, अगर आपको ये मिल जाए तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, अगर तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। देखिए ऐसे करेंगे आप, 4 / 4 = 8 होता है, डिवाइड कर दिए। अब आप कहेंगे कि 4 और 8, अच्छा इस चीज़ को भी समझिए, इस चीज़ को कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं, 4 / 8। देखिए इसका मेन मतलब होता है कि हमको 8 से, अगर ऐसे लिखा हो 4 / 8, मतलब 8 से हमको 4 में क्या करना है, भाग देना है। भाग देने का तरीका आप जानते हैं, 8 से 4 में भाग जाएगा नहीं,
तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर आठ का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 40 आ जाए, आठ का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, आठ पची 40। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ जीरो पॉइंट के पहले आप जीरो बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया 0.5। तो एक तो इस रूप को लिखने का तरीका ये हुआ, इस रूप को लिखने का तरीका ये हुआ कि हमको एट से डिवाइड करना है फोर। दूसरा तरीका इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर अपॉन एट, एक ये तरीका हुआ, दूसरा ये तरीका हुआ। इसके अलावा इसको सॉल्व करेंगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तब भी आपका आंसर वही आएगा। टू से वन को डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, टू फाइव जा क्या होगा टेन, तब भी आपको वही मिलेगा, यहाँ भी 0.5। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है दोनों। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है, डिवाइड को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम कुछ और चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 डिवाइडेड बाय 4 है, तो अगर डिवाइड को हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो चेंज करने का तरीका क्या होता है, 5 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं किसी संख्या के नीचे एक होता है पहले से, हर में एक होता है, इस ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यदि इसको ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड में चेंज करेंगे, तो ये ऊपर चला जाता है और 4 नीचे आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है 5 × 5 / 5, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन फिर से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड के बाद डिवाइड करेंगे या गुणा करेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं डिवाइड करेंगे, मतलब 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। फिर आपका मल्टीप्लाई है इंटू 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका अगला सवाल हो गया। आइए इस टाइप का और भी सवाल देखते हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो इस टाइप का आपका जितना भी सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। आइए एक और सवाल देखते हैं, 5 / 5, ये आपका 5 / 5 ऑफ 25। अब देखिए इस टाइप का सवाल, इस टाइप के सवाल में देखने से आपको लगेगा अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो डिवाइड से पहले क्या है, ऑफ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑफ है, सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 5 / 5 ऑफ का मतलब अभी आपको बताएं कि मल्टीप्लाई होता है 25। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड के पहले गुणा करते हैं, तो 5 / 5 25 / 25 125। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 5 इसको गुणे में चेंज, नीचे एक है, एक ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये डिवाइडर है इसको भी गुणे में चेंज करेंगे, इसके भी नीचे एक है, एक ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 5 से काट दिए 5 को, आपका आंसर आ गया 1/125, ये आपका आंसर। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं अगर इस रूल को आप अच्छे तरीके से फॉलो करें। इसके अलावा आपको कहीं और भी दिक्कतें आती हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये कैसे सवाल होंगे, कोई भी सवाल। देखिए जैसे अगला सवाल हम बताते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका है 2 × 3 - बहुत सारे लड़के इसमें गलती क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, 3 - 1 करते थे तो हो जाएगा क्या, ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। लेकिन ये तो सवाल आ गया, 300 ऐसे तो आ गया, लेकिन हर सवाल में ऐसे नहीं होगा, आपको रूल ये फॉलो करना है। आंसर देखिए आपका, सबसे पहले आपको यहाँ पे घटाने का वाला चिन्ह लास्ट में दिया गया, तो घटाने का चिन्ह हमको पहले नहीं करना है, घटाने को हमको पहले सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसके ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, या इसमें देख रहे हैं कोष्टक लगा हुआ, तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो 2 × 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 × 2 = 4। तो ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे आसानी से सॉल्व। थोड़ा इससे और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, टेन डिवाइडेड बाई फाइव
ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या दिख रहा है आपको डिवाइड। सबसे पहले हम चिन्ह को ही देखेंगे कि हमारे इसमें चिन्ह पूरे चिन्ह में क्या दिख रहा है। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, उसके बाद कोष्टक दिख रहा है। तो डिवाइड और कोष्टक के पहले सॉल्व कौन होता है, डिवाइड और कोष्टक के पहले सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, कोष्टक सॉल्व होता है। कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। एक और एक क्या होगा, दो होगा, टेन डिवाइडेड फाइव टू जा टेन, टेन से टेन को डिवाइड करेंगे। अभी बताएं इसको दो तीन तरीके से आप सॉल्व करते हैं, नीचे एक होता है, एक को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए बेसिकली बात ये होती है कि भाग को यदि हम घोड़े में चेंज करते हैं तो ये एक ऊपर चला जाता है और जो अंश में रहता है वो नीचे रहता है। अब डिवाइड में तो ये आपस में क्या हो गया, कट गया, इसका आंसर क्या हो गया। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीकों से जितने भी फाइव के स्टूडेंट्स हैं, सिक्स के हैं, सेवन के हैं, एट के हैं, नाइन्थ तक के भी स्टूडेंट, टेंथ के स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपका ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया तो आप नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जो भी मैथ आपके सामने आएगा आप उसको बेसिक तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और भी आपका जो सवाल थोड़ा इससे बड़ा चलते हैं, देखिए अब आपका लास्ट सवाल है, ये है फोर डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फोर ऑफ ऑफ फाइव माइनस वन। देखिए मैंने सारे टाइप्स को क्लियर किया एक एक करके, पहले मैंने ऑफ लिया, उसके बाद बार लिया, फिर कोष्टक लिया, फिर डिवाइड लिया। तो सभी चीजों को देखिए हम बारी बारी से क्लियर कर रहे हैं। अब इस सवाल को लगाएंगे तो सबसे पहले अब देखिए ऑफ के पहले भी हमारा बार आता, तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, वली कुलम बार इसको हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में आप लोग समझ सकते हैं इसको रेखा कोष्टक भी बोलते हैं, अगर जिसको नहीं समझ आ रहा वो रेखा कोष्टक जान सकता है। थ्री माइनस फोर, ये ऑफ है, ऑफ का मतलब गुणा होता है, इसको सॉल्व करें फाइव में से बन जाएगा तो फोर बचेगा या चार बचेगा। फोर डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फोर, फोर या सिक्सटीन होता है, फोर डिवाइडेड बाई सोलह में से तीन को घटाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए अभी इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं आपको एक अच्छे तरीके से अभी वीडियो बनाएंगे, कल वीडियो ये आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा आप लोग कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे सॉल्व करके मैंने सिखाया है, एक एक चीज़ों को क्लियर किया। अब ये थ्री और सोलह, थ्री में तो सोलह घटेगा नहीं, तो हम सोलह में से तीन को घटाएंगे, सोलह में से तीन घटाएंगे क्या बचेगा, तेरह। लेकिन ये सोलह का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस भी लगेगा, ठीक है। अब आसान हो गया, ये नीचे एक होता है जानते हैं, फोर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसको तो ये ऊपर एक ऊपर चला जाएगा और तेरह कहाँ आएगा नीचे, लेकिन माइनस लगा है और माइनस देखिए फोर वन जा फोर अपान माइनस तेरह। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर तो हमारा ये है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ लेकिन हर में माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हर में माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, फोर अपान माइनस तेरह, जिसमें माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका माइनस फोर अपान, तो ये आपको क्या होता है। ये रहा वीडियो आपका, फाइनली वीडियो ये रहा। अब आप इस तरीके से आपसे जितने भी सवाल आते हैं उनको फॉलो करके आप आसान से सॉल्व कर सकते हैं।